अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक। आज की हमारी रेसिपी है कैरेट केक। सबसे पहले यहाँ पे मैं व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। एक टीस्पून वनीला एसेंस है, ये चम्मच जो आप देख रहे हैं ये हाफ टी स्पून है, इसीलिए मैंने 2 दफ़ा डाला है। व्हिप क्रीम फ्रॉस्टिंग में पाउडर से बना रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे खुश्क दूध डाला है। ड्रीम व्हिप क्रीम के 2 साशे पैक यूज़ कर रही हूँ। 1 साशे की अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो 1/2 कप मिल्क डलेगा, और 2 साशे के लिए दोनों पैकेट यूज़ हो जाएंगे। इसको आप बीट करेंगे अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट, जब तक कि ये स्टिफ नहीं हो जाती क्रीम। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको करते रहेंगे। उसके बाद इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 3 गाजर ली है, गाजर को अच्छी तरह से वॉश करके पील कर लेना है, और इसको या तो आप चॉप कर लें चॉपर में या ग्रेट कर लें, ये आपकी चॉइस है। दोनों से एक ही जैसा रिज़ल्ट आएगा। मैंने डायरेक्ट चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप, और ये जो है तकरीबन 2 कप के करीब गाजर हैं। अब केक की तरफ आ जाते हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ कर रही हूँ मैं इस रेसिपी में, मैदा नहीं यूज़ कर रही। सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया है मैंने 1 और 1/2 कप, पहले 1 कप लिया फिर 1/2 कप लिया। 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर। 1 पिंच के करीब इसमें जाएगा अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर यानी कि 1 पिंच इसमें नमक ऐड होगा, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे और वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे। 3 अंडे चाहिए हमें इस रेसिपी में। अंडे को हमें अच्छी तरह से बेक कर लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेना है तकरीबन 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें 1 कप मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है, 1/2 कप तेल ऐड किया है, वो क्लिप थोड़ा मिस हो गया है, 1/2 कप तेल डाला है, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से मज़ीद 4 मिनट, 3 से 4 मिनट। उसके बाद जो कैरेट मैंने चॉप्ड करके रखी थी, या आप ग्रेट भी कर सकते हैं, वो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, 2 कप कैरेट। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करूंगी, और उसके बाद हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि मैं इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ कर रही हूँ तो इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा हम इसमें बीटर नहीं चलाना, अब हमें स्पैचुला की मदद से इसको बहुत इवनली मिक्स कर लेना है। ये वाला केक जो है मैं पॉट में बेक करने वाली हूँ, ओवन यूज़ नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको पहले पॉट को प्रीहीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है पैन को, और उसमें बेकिंग पाउडर लगाकर उसको भी ग्रीस कर लिया। अब हम उसमें बैटर डालेंगे। पॉट को है आप जिस तरह आप ओवन को प्रीहीट करते हैं, उस तरह आपको पॉट को भी 20 मिनट के करीब प्रीहीट करना होगा हल्की आंच पे, और फिर आप इसमें ये वाला केक पैन डालेंगे। अभी मैं आपको आगे जैसे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने इसको बेक किया है। एक बड़ा पॉट लिया, उसके क्योंकि हमें केक को डायरेक्ट हीट नहीं देनी है, हमें इसको इनडायरेक्ट हीट देनी है, तो इसीलिए आप कोई स्टैंड
कोई भी स्टील की पुरानी प्लेट या कोई भी ग्लास प्लेट रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। डायरेक्ट हमें पतीली में नहीं रखना वरना डायरेक्ट हीट लग जाएगी, डायरेक्ट हीट नहीं देनी है। और सिंपली हल्की आंच पे इसको कुक करना है ढक्कन रख के 1 घंटे के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद केक पूरी तरह से रेडी है। मैंने इसमें टूथपिक डाल के मुख्तलिफ जगहों से चेक किया और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। दूसरी बात, मुझे चूल्हे पे बेक करने की ये अच्छी लगी कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा केक सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है, जबकि मुझे फील होता है कि ओवन में बेक करने से थोड़ी ड्राइनेस सी आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा बेक हुआ है, बहुत ही मॉइस्ट है। इसको आप ऐसे भी टी के साथ सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिनेमन का इतना अच्छा सा अरोमा और टेस्ट है और जिंजर का भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर इन्हेंस किया हुआ है उसने भी। आप इसको ऐसे भी टी टाइम के साथ खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोई अपनी पसंद की फ्रॉस्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है, मैंने व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी की है। वैसे इसको आइडियली क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ ज़्यादा सर्व किया जाता है, तो उसके लिए मैंने इसको बीच से कट किया है। और सिंपली जिस तरह, बहुत ज़्यादा मैंने कोई फैंसी नहीं किया है, जस्ट स्प्रेड किया है और ऊपर से थोड़ा बहुत गार्निश, ताकि जो है वो खाने में थोड़ा टेस्ट आए विद क्रीम का भी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।